तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट बेस वेरिएंट। अगर आप परचेस करते हैं LXi 2021 में या इसकी तरफ आप कंसीडर करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही न्यू कार है। और गाड़ी का आप लोगों को पूरा डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ मैं इसमें। तो गाड़ी में क्या कुछ देखने को मिलता है, सबसे पहले आप लोगों को मैं गाड़ी की कीज दिखा देता हूँ। ये 2021 का LXi वेरियंट है जो कि इसका बेस वेरियंट है स्विफ्ट का। और इसमें आप लोगों को की ऐसी ही देखने को मिलती है, सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है बेस वेरियंट में। और साथ ही में आप लोगों को जो ग्रिल है वो चेंज कर दी गई, यहाँ पे क्रोम आ गया जो कि पहले नहीं था। आप लोग लुक देख सकते हैं गाड़ी का, पहले से और काफ़ी अच्छी दिखती है जो फेसलिफ्ट वाली है। और हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को गाड़ी में, टर्न इंडिकेटर बल्ब के साथ। ये क्लियर लेंस हेलोजन हेडलैम्प है। फॉग लैम्प इससे ऊपर वाले VXi वेरियंट में भी नहीं आते, आप लोगों को कंपनी से इंस्टॉल करवा सकते हैं एसेसरीज के रूप में या आफ्टर मार्केट भी जा सकते हैं उसके लिए। और गाड़ी का फ्रंट से आप लोग कम्प्लीट लुक देख सकते हैं। और साइड से अगर गाड़ी की लुक की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं। और कलर की अगर मैं बात करूं तो ये व्हाइट कलर है, और व्हाइट कलर जो है इसलिए काफ़ी अच्छा रहता है मेंटेन करने के लिए क्योंकि इसमें जो है जल्दी डस्ट कैच नहीं होती और काफ़ी इजीली मेंटेन हो जाता है ये दूसरे कलर्स के अगर कंपेयर करेंगे तो। और अगर टायर साइज की बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को जो 165/80R 14 इंच के देखने को मिलते हैं। और ये स्टील रिम देखने को मिलते हैं आप लोगों को, इसमें व्हील कैप देखने को नहीं मिलते, केवल ये व्हील हब लग के आता है कंपनी की तरफ से। आप लोग वो भी लगवा सकते हैं कंपनी की तरफ से एसेसरीज में। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं गाड़ी में। और यहाँ पर आप लोगों को इसमें फेंडर में ही देखने को मिलता है टर्न इंडिकेटर बल्ब। और इससे ऊपर वाले वेरिएंट लेंगे तो उसमें आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। और इसको आप लोगों को ऐसे मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा जो आउटसाइड ORVM है उसको। ये अंदर से अनफोल्ड या फोल्ड होने का सिस्टम नहीं है इसमें। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है ये डोर वाइजर, ये एसेसरीज में लगा हुआ है। और ये डोर हैंडल जो मिलता है ये भी ब्लैक देखने को मिलता है, इसमें आप क्रोम लगवा सकते हैं। और बाकी इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा सच कुछ पता चलेगा नहीं बेस वेरिएंट में। और गाड़ी का पीछे से आप लोग लुक देख सकते हैं मारुति स्विफ्ट LXi का 2021 फेसलिफ्ट का। और ऐसे कुछ दिखते हैं पीछे के आप लोग देख सकते हैं टायर्स। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मड फ्लैप लगा हुआ है, ये भी एसेसरीज में ही है, आगे पीछे दोनों साइड लगा है। और गाड़ी का पीछे से कंप्लीट लुक देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह की वेरियंट की बैजिंग देखने को नहीं मिलती है LXi VXi जो भी रेंट आप चला रहे हैं वो, केवल स्विफ्ट की बैजिंग देखने को मिलती है और सुजुकी का लोगो। और ये गाड़ी का साइड से लुक आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मारुति इसमें काफी अच्छी चीज ऑफर करता है आप लोगों को। दो एयरबैग आप लोगों को मिल जाते हैं, ABS EBD देखने को मिलता है इसमें सेफ्टी फीचर्स के अंदर, तो ये काफी अच्छी चीज है। साथ ही में रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है गाड़ी में, तो ये सब चीजें आप लोगों को मारुति इसमें बेस वेरियंट में ऑफर करती है अगर आप लेते हैं तो। और बेस वेरिएंट में आप लोगों को मैं जलाकर दिखा देता हूँ, इसमें आप लोगों को बेस वेरिएंट से ही LED टेल लैंप देखने को मिलती है गाड़ी में जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आप लोग देख सकते हैं बेस वेरिएंट से देखने को मिलती है LED टेल लैंप, ऐसी कुछ दिखाई देती है। आप लोग लुक देख सकते हैं, अभी दिन में उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा कैमरा। ये दोस्तों हम गाड़ी का बूट ओपन करके देख लेते हैं, तो आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं गाड़ी का बूट। आप लोगों को की में किसी भी तरह का फंक्शन देखने को नहीं मिलता बेस वेरिएंट में, यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप लोग गाड़ी का बोर्ड। और यहीं से आप लोग जो है फ्यूल लिड भी ओपन कर सकते हैं गाड़ी की, ये आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा गाड़ी में बूट आप लोगों को। इसमें आप लोगों को कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनर देखने को नहीं मिलता है, LXi वेरियंट है इसलिए VXi में वो देखने को मिलता है आप लोगों को। टोटल स्पेस की बात करें यहाँ पर आप लोगों को तो 268 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है, और एक हैचबैक के लिए काफी सफिशियंट बूट स्पेस देखने को मिलती है। इसके नीचे स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा जो कि 14 इंच का है। और ये टूल किट यहाँ पर आप लोग लैंप इंस्टॉल करवा सकते हैं कंपनी से या आफ्टर मार्केट भी मिल जाएगी। और ये जो सीट है कंप्लीट फोल्ड होती है, कंप्लीट बेंच फोल्ड सीट होती है ये, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हैंडल दिया गया है गाड़ी को क्लोज करने के लिए बूट को, तो काफी इजिली क्लोज हो जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ आप लोगों को नॉर्मल एंटीना देखने को मिलता है, शार्क विन नहीं मिलता, ये LED हाई माउंट स्टॉप लैंप। रियर डिफोगर या वाइपर इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है मारुति स्विफ्ट के आप लोगों को, और ना ही इससे ऊपर वाले में। और ये गाड़ी का कंप्लीट साइड से भी आप लोग लुक देख सकते हैं मारुति स्विफ्ट का। और इनकी गाड़ी जो मारुति स्विफ्ट है उसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन ले लो या थर्ड जनरेशन, इसका जो AC है वो भी काफी पावरफुल रहता है। और रीजन इसका एक ये भी रहता है कि इनकी जो फ्रंट से जो गाड़ी की डिजाइन रहती है, एयर इनटेक का जो एरिया रहता है वो काफी बड़ा रहता है, तो AC भी उसमें काफी पावरफुल देखने को मिलता है गाड़ी में आप लोगों को। और अगर मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है, मारुति वैसे ही दे रही है मतलब जैसी आती थी, उसमें अगर मारुति सुधार कर ले अपनी बिल्ड क्वालिटी में तो कहीं भी आप लोगों को मतलब जो है टॉप में ही रहेगी मारुति। वैसे भी ये जो स्विफ्ट है बेस्ट सेलिंग हैचबैक है,
लेकिन बिल्ड क्वालिटी अभी भी वैसे ही है, और जो फर्स्ट जनरेशन वाली स्विफ्ट आती थी उसकी इससे ज्यादा अच्छी रहती थी जो बिल्ड क्वालिटी है। और आइए अब गाड़ी के पीछे के डोर का लुक दिखा देता हूँ। और अगर आप लोगों को जो अगर बेस वेरिएंट लेते हैं तो आप लोगों को जो इसमें है सेंट्रल लॉकिंग देखने को नहीं मिलती, तो आप लोगों को ऐसे मैन्युअली ही डोर ओपन करना पड़ेगा एक एक करके। तो ये आप लोग आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं ये चीजें भी। और ऐसा कुछ दिखाई देता है पीछे के पैसेंजर साइड गेट का लुक। यहाँ पे आप लोगों को हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, किसी भी तरह का फैब्रिक टच देखने को नहीं मिलता। VXI वेरिएंट लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे फैब्रिक टच देखने को मिलेगा। ये बॉटल होल्डर देखने को मिलता है यहाँ पे। ये स्पीकर के लिए स्पेस देखने को मिलती है चारों ही डोर्स में, जो कि आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को मैनुअल, आप लोगों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा विंडो। पावर विंडो देखने को नहीं मिलता, उसके लिए भी आप लोगों को कंपनी ऑप्शन देती है। एक एसेसरीज पैकेज आता है पूरा, जिसमें आप लोगों के इंफोटेनमेंट आएगा और पावर विंडो, साथ ही में सीट कवर। और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी के पीछे की सीट। ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आप लोग देख रहे हैं। और चलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और डोर को क्लोज कर लेते हैं। अब ये जो फ्रंट वाली सीट है ये मैंने पूरी पीछे कर दी है। उसके बाद भी स्पेस आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा देखने को मिलता है। स्कूप्ड आउट सीट बैक देखने को मिलते हैं गाड़ी में। और यहाँ पे जो हम्प है ये भी फ्लैट देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ का आप लोग स्पेस देख सकते हैं, 3 एडल्ट कंफर्टेबली बैठ के नहीं जा सकते, 2 एडल्ट और 1 बच्चा बैठ सकता है। साथ ही में 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिलते हैं गाड़ी में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट के साथ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट देखने को मिलते हैं आप लोगों को। फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं बेस वेरिएंट में। चाहे आप आगे की बात करें तो आगे भी आप लोग देख सकते हैं जो हेडरेस्ट है ये फिक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि सीट की कुशनिंग की बात करूं तो वो काफी कंफर्टेबल देखने को मिलती है। और ये जो ग्लास एरिया आप देख रहे हैं गाड़ी का, ये काफी आप लोगों को बड़ा देखने को मिलता है, तो एक एरी फीलिंग आती है। और ये जो ब्लैक इंटीरियर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसमें खासियत ये है इसकी कि जल्दी डस्ट नहीं पकड़ेगा। और डिजायर की तरफ जाते हैं तो उसमें बेस देखने को मिलता है, तो वो जो रहता है वो काफी जल्दी डस्ट पकड़ लेता है। जैसे कि अभी ब्लैक है तो इसमें अगर एक बार भी कपड़ा मारेंगे तो साफ हो जाता है इजिली। और गाड़ी में इन एंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है सच आप लोगों को। और आइए ड्राइवर साइड गेट का लुक खोल के दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक, आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट लुक गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का। यहाँ पे आप लोगों को हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, ये थोड़ी बहुत स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, और यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं आप लोग काफी इजिली फिट हो जाती है ये। यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह देखने को मिलती है। विंडो आप लोगों को मैन्युअली ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और ऐसी कुछ दिखाई देती है गाड़ी की फ्रंट की सीट। सीट की किसी भी तरह से आप लोग हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते इसकी, केवल ये रिक्लाइन होती है और आगे पीछे होती है, मतलब कि स्लाइडिंग फंक्शन के साथ। यहाँ पे टायर प्रेशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप लोग देख सकते हैं। और ये है गाड़ी के ऐसे कुछ दिखाई देते हैं पेडल्स, आप लोग देख सकते हैं इनके बीच में जो स्पेस है वो काफी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को जगह भी देखने को मिलती है अपना पैर रखने के लिए। और इसके नीचे अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पे मैटिंग भी जो है वो भी काफी अच्छी उसकी क्वालिटी की यूज करी गई है। और इनकी जो सीट है उनकी खास बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बेस वेरिएंट है स्विफ्ट का, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं फिक्स हेडरेस देखने को मिलते हैं, जो कि आगे की सीट में एज सच कोई ऊपर नीचे नहीं करता है। उसके बाद आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि जो सीट की यहाँ पे दी गई है आप लोगों को जो सपोर्ट देखने को मिलता है बेस वेरिएंट में भी, वो भी काफी अच्छे तरीके से मारुति ऑफर करती है आप लोगों को। और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, चलिए डोर को क्लोज कर लेते हैं। और डोर काफी हल्के देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया बिल्ड क्वालिटी में मारुति थोड़ा सुधार कर ले तो काफी अच्छा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। और चलिए गाड़ी की इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोगों को बेस वेरिएंट है, उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं बेस वेरिएंट है, उसके बाद भी यहां पे आप लोगों को आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहां पे हेडलाइट लेवलर और जो आउटसाइड ORVM की साइज है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है आप लोगों को, तो विजिबिलिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा कुछ दिखाई देता है बेस वेरिएंट का स्टीयरिंग व्हील। अब ये जो है कंपनी की तरफ से एसेसरीज में लगा हुआ है जो स्टीयरिंग कवर है। और यहाँ पे सेंटर में रिंग देखने को मिलती है क्रोम की, ये सुजुकी का लोगो। ड्यूल एयरबैग्स ABS EBD देखने को मिलते हैं, एक एयरबैग यहाँ मिलेगा और एक एयरबैग आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं SRS एयरबैग की बैजिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके जो स्टीयरिंग व्हील उसके फंक्शन की, तो इसमें केवल टिल्टी आता है। और मारुति उसका टॉप मॉडल भी लेंगे तो उसमें भी टिल्टी फंक्शन देखने को मिलता है, मतलब की यहां से आप लॉक को नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा स्टीयरिंग व्हील। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के वाइपर एंड वॉशर की, तो आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं जो इनका थ्रो है वो। आप लोगों को टोटल 6 स्प्रेस देखने को मिलता है और काफी अच्छे तरीके से जो विंड स्क्रीन है उसको क्लीन कर देते हैं जो गाड़ी के वाइपर है वो। और ऐसा कुछ दिखाई देता है गाड़ी के बेस मॉडल में आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
बीच में आप लोगों को स्पीडोमीटर देखने को मीटर देखने को मिलता है, इसमें किसी भी तरह का आरपीएम मीटर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को बता देगा गाड़ी का छोटी सी एमआईडी देखने को मिलती है बेसिकली, जो कि आप लोगों को अपना एवरेज बता देगी, जो कि करंट एवरेज आप निकाल सकते हैं गाड़ी का, डिस्टेंस टू एम्प्टी बता देगी, और आप लोगों को एवरेज डिस्टेंस टू एम्प्टी और ट्रिप ए ट्रिप भी आप लोग यहां से सेट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां से आप लोग ट्रिप ए ट्रिप भी, अभी टोटल 130 किलोमीटर ही चली है गाड़ी, तो काफी न्यू है, तो ये भी एक चीज है। नई गाड़ी में आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जब तक गाड़ी की जो पहली ऑयल चेंज वाली सर्विस नहीं रहती है, नहीं होती है, उसके बाद जब तक गाड़ी एवरेज अच्छे से आप लोगों को निकाल के नहीं देगी, जब तक जो पहली सर्विस है ऑयल चेंज वाली वो हो जाएगी, उसके बाद ही जो है गाड़ी का एवरेज काफी अच्छे से आप लोगों को निकल के आएगा। पूरा बता दिया है। मैनुअल एसी देखने को मिलता है गाड़ी में विथ हीटर, एसी का काफी पावरफुल देखने को मिलता है। म्यूजिक सिस्टम बेस वेरिएंट में नहीं आता, आप लोग कंपनी से लगवा सकते हैं या आफ्टर मार्केट भी आप लोग जा सकते हैं, काफी अच्छी जो है उसमें ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ग्लब बॉक्स की बात करें तो डिसेंट स्पेस देखने को मिलती है ग्लब बॉक्स में। हाँ, इसको जरूर से थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, जो फर्स्ट जनरेशन आती थी उसका जो है ग्लब बॉक्स इससे थोड़ा सा बिग था, सेकेंड जनरेशन का भी इससे थोड़ा सा, मतलब जो इसका डैशबोर्ड की डिजाइनिंग आप लोग देख सकते हैं, डिजाइन कुछ इस तरीके से कि इतना एरिया फ्लैट है तो यहाँ पे अगर कोई बैठेगा तो सीट आगे भी कर ले तो उसको एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली। राउंड शेप में एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। और जो स्विफ्ट की अगर स्पोर्टी चीजों की बात करें तो आप लोगों को ये जो कॉकपिट जो है इसका, ये आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ड्राइवर की तरफ डिजाइन किया गया है, मतलब चाहे ये चीजें देखें आप, इसका जो एरिया है थोड़ा सा ऐसा आता है आप लोग देख सकते हैं, तो ताकि ड्राइवर को रीच करने में किसी भी तरह में कोई दिक्कत ना आए ड्राइव करते हुए, तो वो तो इन्हीं सारी चीजों से बन जाता है जो स्विफ्ट की एक स्पोर्टीनेस है वो। और यहां पर आप लोगों को एक हल्की फिनिश देखने को मिलती है, आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर में, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में इसमें यहाँ पे ग्रे या सिल्वर कलर की आती है, और बाकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। इसमें अभी सीट कवर नहीं लगे, स्टॉक आप लोगों को मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ पूरी, एसेसरीज में केवल इसमें मैट्स और ये आप लोगों के सन वाइजर लगे हुए हैं। और एक चीज और है दोस्तों, इसमें नीचे की तरफ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है आप लोगों को, यूएसबी रॉक्स का पोर्ट नहीं मिलता, यहाँ थोड़ी बहुत स्पेस, यहाँ दो कप होल्डर देखने को मिलते हैं, और चारों ही डोर में बॉटल होल्डर देखने को मिलते हैं, तो काफी प्रैक्टिकल कार है ओवरऑल मारुति स्विफ्ट। और आइए गाड़ी का यहां से आप लोगों को मैं बोनट ओपन करके गाड़ी का इंजन दिखा देता हूं, तो यहां से ओपन कर लेते हैं गाड़ी का बोनट। तो दोस्तों यह है इसका ड्यूल जेट 1.2 लीटर फोर सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो कि 88 bhp की पावर देता है और 113 nm ऑफ टॉर्क। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो है 23 kmpl का, और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है गाड़ी में। और नीचे की तरफ आप लोगों को इसमें पूरा इंजन प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, देख सकते हैं बेस वेरिएंट में भी, तो जिससे कि इंजन में जल्दी जो है पानी वानी ना आए, जल्दी रस्ट ना पकड़े। और इंजन जो है इसका एक चीज काफी अच्छी है मारुति की, पहले भी जो इनका पेट्रोल इंजन आते थे वो भी काफी स्मूथ रहते थे। अब देख सकते हैं गाड़ी में स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूं, अभी BS6 है तो क्लच दबा के स्टार्ट होती है गाड़ी। अब ये देख सकते हैं काफी रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है आप लोगों को, जो पेट्रोल इंजन है, और ये ड्यूल जेट वाला और भी रिफाइंड हो गया है। इसमें ड्यूल जेट का मतलब ये है कि एक सिलेंडर में दो इंजेक्टर देखने को मिलते हैं, जो इससे पहले आता था उसमें एक सिलेंडर में एक इंजेक्टर देखने को मिलते हैं, तो एक सिलेंडर में अगर दो इंजेक्टर दिए हैं तो उससे एवरेज और बढ़ जाती है गाड़ी की। और ये नॉइज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पैडिंग देखने को मिलती है बेस वेरिएंट में, तो ये काफी अच्छी चीज है जिससे कि नॉइज, और ये जो एसी की नॉइज कंप्रेसर की नॉइज है अगर मैं उसको बंद कर दूं तो आप लोगों को और भी कम इंजन की जो नॉइज है वो सुनाई देगी। आप लोग देख सकते हैं एसी मैंने ऑफ कर दिया है, तो इंजन की अब क्लियर आप लोग नॉइज सुनिए। अब ये जो है ये केवल इसकी इंजन की नॉइज है, ये आप लोग सुन पा रहे होंगे इंजन नॉइज इसकी। यहाँ पे वाइपर वॉशर फ्लूइड देखने को मिलता है गाड़ी का, और चलिए बोनट क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मारुति स्विफ्ट LXi का ये वीडियो, और आप लोग गाड़ी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं मारुति स्विफ्ट। और अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सकें। एंड साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो लिखिए रजत श्रीवास्तव 1310। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।